आज हमने एनथे 2022 का लॉन्च किया है। ये एक एग्ज़ाम है जो हम पिछले 12 साल से कर रहे हैं। ये 13वां साल है जब हम एग्ज़ाम को करेंगे। इस एग्ज़ाम के पीछे मकसद ये है कि जो बच्चे छोटे छोटे शहरों में हैं, कहीं दूर शहरों में हैं, उनको हम एक अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो एग्ज़ाम को लिखें और एक अच्छी स्कॉलरशिप लें, ताकि उनके ऊपर या उनके पेरेंट्स के ऊपर या फैमिली के ऊपर किसी तरह का फाइनेंशियल बर्डन ना आए और वो जो अपनी मेडिकल और IIT में क्वालिफाई करने की जो उनकी ड्रीम है उसको वो अच्छे से पा पाए। सर, आपने एक ये पूरे कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि लड़कियों को लेकर इंस्टीट्यूट काफ़ी काम कर रही है, कई संस्थाएं जुड़ रहे हैं आपके साथ, तो वो किस तरह से? तो इस बार हमने एंथे में हम जैसा बताया कि हम हमेशा स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एग्ज़ाम करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑल ओवर पूरे देश से ये एग्ज़ाम देते हैं। इस साल हम क्योंकि अब हम 300 जगह हमारे सेंटर्स प्रेजेंट हैं, हम लोग काफ़ी ग्रोथ हमने की है पिछले 2 सालों में, तो हम लोग इसको और ज़्यादा बड़ा फोरम हमारे लिए बन गया है एंथे। हमने पिछले साल 12.5 लाख बच्चों ने एंथे के एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया, 8 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो इस बार हम और भी नीचे ग्रास रूट लेवल तक ये एग्ज़ाम पहुंचाना चाहते हैं, छोटे शहरों में उन लोगों के पास जिनके पास शायद ये अभी साधन ना हो कि वो एग्ज़ाम, या उनके पास ये अवेयरनेस भी नहीं हो कि इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। तो हम करीब 120 NGOs के साथ काम कर रहे हैं ताकि वो लोग इस तरीके के प्रतिभावान छात्रों को हमारे लिए आइडेंटिफाई कर सकें। पर्टिकुलरली जैसा आपने पूछा कि जो गर्ल चाइल्ड है बिलो पावर्टी लाइन के जो पेरेंट्स हैं, सिंगल मदर्स हैं जो कि बच्चों को रेज कर रही हैं गर्ल चाइल्ड्स को, तो उनके लिए हम 2000 अलग से हमने स्लॉट्स रखे हैं ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें और फिर उनको बाकी सारे बच्चों के साथ पढ़ा सकें। इस एग्ज़ाम के थ्रू हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। 120 NGO हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बाइजू के साथ पहले ही काम कर रहे हैं, वो जो हमें इस लेवल पे लोगों को आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे, बच्चियों को आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे।